हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन, जिसके लिए मैंने यहाँ पे चिकन ले लिया हुआ है। इसको मैरिनेट कर लेंगे हल्दी और चिली पाउडर से। तो ये हल्दी और थोड़ा सा चिली पाउडर डालेंगे और इन सबको अच्छे से अब हम मिक्स कर लेंगे। तो ये चिकन अब हमारा मिक्स हो गया है। हम एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें तेल गरम कर लेंगे। तेल को हम एकदम अच्छे से गरम कर लेंगे। तो ये तेल अब हमारा गरम हो गया है। इसमें जो हमने मैरिनेट करके चिकन रखा था वो ऐड कर देंगे और इसको हम 15 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हम इसको हाफ फ्राई करेंगे। तो ये चिकन अब हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे और इसी तेल में हमने आलू कट करके रख लिया हुआ वो फ्राई कर लेंगे। आलू को भी हम डीप फ्राई कर लेंगे। तो ये आलू अब हमारा फ्राई हो चुका है अच्छे से। अब इसको हम निकाल लेंगे और इसी तेल में हम फ़ौरन डाल लेंगे। तो ये तेज़पत्ता, गरम मसाला, जीरा, इन सबको हम अच्छे से लाल कर लेते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। प्याज को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारा यहाँ पे फ्राई हो रहा था, इसमें हम ऐड कर देंगे। लहसुन को हमने कूट लिया हुआ है। अब इन दोनों को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे एक दूसरे के साथ और गैस को एकदम लो फ्लेम पे ही रखेंगे। देखिए हमारा फ्राई हो चुका है प्याज अच्छे से। अब इसमें हम ऐड कर देंगे अदरक और मिर्ची को हमने कूट लिया हुआ है। अदरक और मिर्ची लास्ट में ऐड करने से टेस्ट अच्छा आता है। अब इन सबको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गैस को एकदम हम लो फ्लेम पे ही करके फ्राई करेंगे। तो ये अब हमारा फ्राई हो चुका है। तो इसमें हम ऐड कर देंगे नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, हल्दी। नमक ऐड करने से प्याज बहुत जल्दी गल जाता है अच्छे से। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे सूखे मसाले, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च और यहाँ पे तीखी वाली मिर्ची हम ऐड कर लेंगे। अब हल्का सा पानी ऐड करके सारे मसाले को हम भून लेंगे अच्छे से। मसाले को भी हम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे अच्छे से। मसाला हमारा फ्राई हो चुका है, आप देख लीजिए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने के बाद हम इसको ढक देंगे और बॉयल आने देते हैं। तो ये हमारी ग्रेवी में बहुत अच्छे से बॉईल आ गया है। तो हमने जो चिकन और आलू को फ्राई किया था हम दोनों को एक साथ डाल देंगे इस ग्रेवी में। ग्रेवी में डालने के बाद हम थोड़ी देर तक रुक के इसको बॉईल आ जाएगा तब हम इसमें चिकन मसाला ऐड कर देंगे ऊपर से। चिकन मसाला ऐड करने के बाद हल्का सा इसको स्टर कर लेंगे। उसके बाद हम ढक के इसको 20 मिनट तक पका लेंगे। तो 20 मिनट बाद गाइस चिकन देखिए कितने अच्छे से गल गया है हमारा और आलू भी। हमारी ग्रेवी भी थिक हो गई है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया पत्ता। ऐड करने के बाद हम इसको ढक के थोड़ी देर पका लेंगे, जो धनिया है उसका फ्लेवर हमारे चिकन में अच्छे से आ जाए। तो ये चिकन अब हमारा बन गया है, अब सर्व कर लेते हैं। तो होप गाइज, अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी तो मुझे कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा।